दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बनाने के लिए और पासवर्ड प्रोटेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट को आपको रीड ओनली बनाना है उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे। ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है और जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको रीड ओनली बनाना है या प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बनाना है उसे आप ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद में ये जो सेटिंग है वो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में दिखा रहा हूँ। 7 के बाद जितने भी वर्जन है उनमें भी ये तरीका सेम रहेगा, तो ये न सोचें कि ये तरीका सिर्फ एमएस वर्ड के 2007 वर्जन के लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही सेम प्रोसीजर आपको दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जनस है उनमें लगाना है, ये सेम तरीका काम करेगा। बस कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को रीड ओनली या प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बनाएं। तो सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे जिसे हमें रीड ओनली बनाना है। फॉर एग्जांपल, ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। अगला दोस्तों, ये प्रोसीजर ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा वीडियो है, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको एक कंप्यूटर में एक नई स्किल, एक नया ट्रिक जानने को मिले, सीखने को मिले। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और आने वाले टाइम में और भी मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँगा जो इन्फॉर्मेटिव होंगे, जो आपकी कंप्यूटर स्किल को बढ़ाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेशन में कमेंट करिए कैसा आपको वीडियो लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लोगो बटन है, इस ये आपको दिखाई दे रहा है। एमएस वर्ड में जो 2007 वर्जन है इसमें ये दिखाई देगा और जो 2007 के बाद में यहाँ पे ये जो लोगो है ये नहीं दिखाई देगा। इसके स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे आपको एक, ये जितने भी मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं इनमें एक नया ऐड कर दिया है फाइल करके, जो पहले भी फाइल था बाद में 2007 में ये लोगो लेके आए और वापस इसको लोगो को रिमूव करके फाइल ऑप्शन आ गया है। तो आप लोगो या फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो हमें सेलेक्ट करना है वो है सेवेज। हम सेवेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेवेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लोकेशन के बारे में पूछेगा जहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। तो आप अपनी पसंद के जहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें वहाँ लोकेशन दे दीजिए। मैं जैसे डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लोकेशन देने के बाद अगला आपको काम करना है कि ये जो सेव ऑप्शन है, इस सेव बटन के पास में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा टूल्स करके। तो आपको क्या करना है, ये टूल्स ऑप्शन को के पास में ये जो डाउन एरो इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये सारे ऑप्शंस टूल्स के अंदर अवेलेबल है। हमारे काम का जो ऑप्शन है वो है जनरल ऑप्शन। हम जनरल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम जनरल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस जो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीड ओनली रिकमेंड, इसको चेक, इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। और जैसे ही चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे हम इसको ओपन ओके कर देते हैं। ओके कर दिया और अब इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, वापस आपको माइक्रोसॉफ्ट जो लोगो, ऑफिस लोगो बटन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिपेयर, प्रिपेयर ऑप्शन। अब देखिए, जो एमएस वर्ड 2007 है उसमें प्रिपेयर ऑप्शन है, लेकिन 7 के बाद में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के वर्जन है 10, 13, 16, 19 या 21, उनमें आपको ये प्रिपेयर ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें आपको एक अलग प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट करके एक अलग से दिखाई देगा। यहाँ इनमें से हम ऑप्शन को सेलेक्ट, बाकी ऑप्शंस आपको ये सेम मिलेंगे लेकिन सिर्फ प्रिपेयर ये जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। तो आप परेशान न हो, इनमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है मार्क एज फाइनल, इस मार्क एज फाइनल को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा
कि आप इस डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल सेव कर सकते हैं और ये आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है मार्क एज फाइनल के रूप में। ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से आपको एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर, ओके। अब आपका डॉक्यूमेंट रीड ओनली में मार्क हो गया है। हम इस डॉक्यूमेंट को बंद करके चेक करते हैं कि क्या हमारी जो सेटिंग है मार्क एज रीड ओनली वो अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें यहां आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, रीड ओनली शुड बी ओपन एज रीड ओनली अनलेस चेंजेज टू इट, ओपन एज रीड ओनली। आपसे पूछ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट रीड ओनली के लिए रिकमेंड किया गया है, क्या आप इसको रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हैं? यस yes। अब आपने इसको ये कर लिया है और करने के बाद में अगर आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं आप नहीं कर सकते। ये देखिए कहीं पे भी यहाँ आप बॉटम में देख पा रहे हैं, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, बिकॉज द मॉडिफिकेशन इज लॉक्ड एंड डॉक्यूमेंट हैज प्रिपेयर्ड एज रीड ओनली ओनली। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ व्यू तो कर पा रहे हैं, रीड तो कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट रीड ओनली रिकमेंड हो गया है, रीड ओनली बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। आइए जानते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ अभी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था यस, कि ओपन एज रीड ओनली यस, तो हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी एडिटिंग, कोई भी बदलाव नहीं कर पा रहे थे। मैं अब सेलेक्ट करता हूँ नो। देखिए अब मैंने नो सेलेक्ट किया है और मैं अब इसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए लेकिन दोस्तों ये जो सेटिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में तो काम कर पा रही है, लेकिन जो आगे के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज है, वर्जन है 2010, 2013, उनमें ये सेटिंग यहाँ पे वो एडिट मोड में आ जाता है, यानी डॉक्यूमेंट एडिटेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो देखिए ये मैं उन लोगों के लिए सेटिंग बता रहा हूँ, वर्ड 2007 में तो ये काम कर रहा है। आप नो करिए, यस करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ये डॉक्यूमेंट रीड ओनली बन चुका है। लेकिन जो आगे के वर्जन है उसमें क्या होता है कि ये एडिटेबल में आ जाता है और आप कुछ भी टाइप करते हैं वो एडिट हो जाएगा, कुछ डिलीट करना चाहें वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताता हूँ, ये करने के बाद आप किसी भी वर्जन में कोई भी बदलाव, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जानते हैं वो सेटिंग क्या है। देखिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम यही सेटिंग एमएस वर्ड 2013 में कैसे यूज करेंगे। ये डॉक्यूमेंट था और मैं अब इस डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड 2013 में ओपन करना चाह रहा हूँ। मैंने 2007 के जो एमएस वर्ड वर्जन है उसमें यस और नो दोनों करके देखा, उसमें डॉक्यूमेंट लॉक हो गया, रीड ओनली मोड में कन्वर्ट हो गया, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। अब ये 2013 है, मैं इसको नो करके देखता हूँ। देखिए जैसे मैंने नो किया और यहाँ एडिट एनीवे, अब मैंने जैसे एडिट एनीवे किया डॉक्यूमेंट एडिटेबल हो चुका है। ये देखिए आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हेडिंग हटा दिया वापस, या कुछ और भी ऐड करना है, ये देखिए आप इसमें अब कोई भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेटिंग सिर्फ एमएस वर्ड में 2007 वर्जन में एक रीड ओनली ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हो रही थी वो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो अब हम इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से रीड ओनली और प्रोटेक्टेड बनाएं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट में कोई भी चेंज या बदलाव न कर सके। तो दोस्तों आपको
एक सेटिंग और करनी पड़ेगी। तो वापस चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 2007 के बाद जो एमएस वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन्स हैं उनमें एमएस ऑफिस का ऑफिस बटन नहीं है, यहाँ फाइल ऑप्शन है। तो फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव एज पे जाएंगे। जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है वो लोकेशन आप ब्राउज कर लीजिए, और मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, इसको रीड ओनली वन कर देता हूँ। और फिर से हम सेव के सेव ऑप्शन के पास में जो टूल्स है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जनरल ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने पहले डॉक्यूमेंट में रीड ओनली रिकमेंड किया हुआ है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ में जो अलग से हमें जो सेटिंग करनी है वो ये है कि आपको पासवर्ड टू मॉडिफाई देना होगा। अब आप जब पासवर्ड टू मॉडिफाई दे देंगे तो क्या होता है, आइए देखते हैं। एक बार फिर से री एंटर करना पड़ेगा। ये मैंने पासवर्ड दे दिया है एडिटिंग करने के लिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। हम बंद करेंगे इसको और फिर से ओपन करके चेक करते हैं कि क्या हमारी ये सेटिंग एप्लीकेबल हुई है या नहीं। अब देखिए अगर आप यस करेंगे तो वो रीड ओनली मोड में ओपन होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन जो हम चाहते थे वो ये था कि जो जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्जन 2010, 13 और बाकी के जो वर्जन्स हैं उनमें किस तरह से ये काम करता है, तो मैं इसको नो करता हूँ और एडिट करता हूँ। सॉरी मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, ये रीड ओनली पुराने वाला ही मैं ओपन कर रहा हूँ, रीड ओनली वन था हमारा जो डॉक्यूमेंट था। तो देखिए अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है। तो जिनके पास ये पासवर्ड होगा इट मीन्स दोज आर ऑथराइज पर्सन्स टू एडिट द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन जो डॉक्यूमेंट का क्रिएटर है, जो डॉक्यूमेंट का ओनर है, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है और वो चाहता है कि उसके जो क्लाइंट्स है, जो यूजर्स है, वो इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख सकें, रीड कर सकें लेकिन एडिट नहीं कर पाएँ, तो वो पासवर्ड नहीं देगा एडिट करने के लिए। एडिटिंग की फैसिलिटी सिर्फ डॉक्यूमेंट के क्रिएटर के पास होगी, ओनर के पास होगी, न कि बाकी यूजर्स के पास। तो अब वो क्या है, उसको फैसिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सिर्फ व्यू करें, तो रीड ओनली करेगा क्योंकि उसके पास पासवर्ड है नहीं और वो डॉक्यूमेंट को रीड ओनली मोड में चेक कर सकता है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट अब पूरी तरह से रीड ओनली मोड में बन चुका है। कोई भी जो यूज़र है, कोई भी व्यूअर है, वो इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट में कोई भी चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट की कोई प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। रीड ओनली मोड में डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं ताकि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के साथ छेड़खानी नहीं कर सके। तो दोस्तों ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, जो भी ऑफिस में या जिनका डॉक्यूमेंट का कंटेंट ऐसा है कि वो जैसे कि रिजल्ट हो गया या बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें बदलाव नहीं करना होता है, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट के कोई रीड ओनली मोड में क्रिएट कर सकते हैं। जिनके पास मैंने अलग अलग आपको वर्जन में दिखा दिया, एमएस वर्ड 2007 में भी दिखाया और उसके बाद में 2013 में दिखाया है। तो ये जिनके पास वर्ड 7 है वो 7 के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, उनको अलग से ये पासवर्ड नहीं डालना होता, और जिनके पास नहीं है वो ये एक सेटिंग उनको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उसी टाइम पर आप एक पासवर्ड डाल दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।